हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 7 सीबीएसई का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जी गाइस फाइनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है इसी साल का 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फुल मार्क्स आपका 80 है और इससे पहले बता दूं मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और भी मैंने अपने चैनल अपलोड करके रखा हुआ है क्लास 7 से रिलेटेड क्लास 6 से क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है क्लास 11, क्लास के सारे साइंस स्ट्रीम के कॉमर्स स्ट्रीम के आर्ट्स स्ट्रीम के सारे सारे क्वेश्चन आपको मेरे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और अगर आपको चाहिए सारे क्वेश्चन मुझे मैसेज कर सकते हो नंबर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे आपको जेंगे लेकिन उसके लिए आपको पे करना होगा फ्री नहीं है ठीक तो है यहां पे बात करते हैं सेक्शन ए की तरफ रीडिंग सेक्शन देख सकते हो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोस एक बड़ा सा पैसेज मैसेज है दस मार्क का क्वेश्चन है जैसे कि आप देख सकते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे बड़ा सा पैसेज है मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से सारे पूरा पैसेज को आप लिख लीजिए ठीक है अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बने हैं वो हम मैंशन में कर देता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन था कि द एरिया ऑफ द एमेजोन फॉर रेन फॉरेस्ट तो दो मार्क यहाँ पे मिल जाएगा वाई डू वेरी वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन द फॉरेस्ट फ्लोर तो यहाँ पे दो मार्क दिया गया उसके बाद देखिए फ्रॉम वायर डू मिलीपेडिस एंड अर्थवर्म्स कलेक्ट देयर न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड यहाँ पे उसके बाद नंबर फोर देखिए व्हाई डू प्लांट्स रिलाई ऑन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स टू पॉलिनेट देयर फ्लावर्स दो मार्क का दिया गया तो आठ मार्क हो गया लास्ट में देखिए द लेयर बिलो द अंडर स्टोरी इज ए कैनोपी तो यहाँ पे फोट्रो वो फोर्स बताना एंड लिवस इन द कैनोपी आर वेरी डेंस एंड फिल्टर अबाउट डैश ऑफ द सनलाइट यहाँ पे वन मार्क मिल जाएगा तो कुल मार्क्स से टेन मार्क्स का क्वेश्चन है दूसरा देखिए रीड द पैसेज एंड गिवन बिल्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेम टू सेम है यहाँ पे भी और एक पैसेज दिया गया दस मार्क का तो बड़ा सा पैसेज है आप देख सकते हो तो यहाँ पे जैसे कि पूरा वीडियो पोस्ट करके आप अच्छे से पूरे पैसेज एंड सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में अप टू यहां तक आपका पैसेज आता है क्वेश्चन क्या क्या दिया है हाउ इज अवर ब्यूटीफुल इको सिस्टम डेमेज उसके बाद व्हाट टू न्यूक्लियर वेस्टोमिक प्लांट्स व्हाट इज द एफर्ट ऑफ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन नेम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स उसके बाद हाउ डू डैम्स इम्पेक्ट नेचर उसके बाद ईच डे रीयूज दैट ईच कंज्यूमर थ्रोस इज डैश उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए कंज्यूमर्स थ्रू आउट रिफ्यूज लाइक डैश उसके बाद द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया इज डैश उसके बाद फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस द सेम एज ग्रासलैंड पेरिस तो यहाँ पे मार्क्स आप देख सकते हो वन 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 टू वन 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 तो टेन मार्क्स जाएगा आप चलते नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग आपको पैरा लिखना है दोनों में से कोई भी द ड ऑफ फॉर और द नीड फॉर ए हॉबी इन लाइफ तो सात मार्क का यह क्वेश्चन है उसके बाद यू है थ्री डेज परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एट एक्स वाइज एट स्कूल सो यू कुड नॉट अटेंड योर स्कूल ड्यूरिंग दिस डेज राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर स्कूल गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर एब्सेंस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव यानी कि एप्लीकेशन आपको लिखना है ग्रांट के लिए आठ मार्क का दिया हुआ है उसके बाद चूज करेक्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन मई माधर डैश द शिवा टेम्पल डेली विजिट्स उसके बाद स्कूल डेयर क्लोज फॉर वेकेशन लास्ट वीक तो लास्ट दिया हुआ था ओब्वियसली स्कूल वॉज क्लोज उसके बाद आई डेयर सिंगिंग ऑन स्टेज टूमारो इसका आंसर होगा आई शेल बी आई शैल बी सिंगिंग टुमोरो उसके बाद टर्न इन टू इंडरेक्ट स्पीच तो यहाँ पर देख सकते डायरेक्ट से इंडाक्ट आपको करना है आई से टू माई सिस्टर बी केयरफुल अबाउट चूजिंग योर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पीटर सेट टू प्रीति प्लीज लैंड मी योर रेड पेन उसके बाद देखिए द टीचर सेट द सन राइजेस इन द ईस्ट उसके बाद देखिए चेंज द वर्ब्स इन द फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस यहाँ पे भी तीन मार्क दिया गया द स्ट्रेंजर रेंज द डोरबेल लाउडली उसके बाद द चिल्ड्रेस आर प्लेइंग फुटबॉल हुई शेल विजिट द पेशेंट टुमोरो बाद क्वेश्चन नंबर राइट टू सिनोनिम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मैरी एंड स्ट्रेंथ फोर मार्क्स दिया गया राइट टू एंटोनिम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स पीस फ्रेंडली तो यहाँ पे फोर मार्क्स दिया गया तो उसके बाद इंडिया द वन ऑफ ऑल प्लेड इन गेम्स मोस्ट उसके बाद देखिये हार्मेस्ट इज वी देम आर येट उसके बाद देखिए द स्का स्प्रेड रेनबो अक्रॉस ईस्टर्न व्हाट इज लव लाइक तो यहाँ पे हो तो बहुत सारे इसने जम्पल करके लिखा भी हुआ है स्टूडेंट ने तो आप यहाँ पे देख के लिख सकते तो थ्री मार्क्स दिया गया थ्री प्लस थ्री मार्क्स दिया गया तो आप देख सकते यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है वीडियो नहीं पढ़ूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप यहाँ पर लिख लीजिए नंबर बी देखिए द स्कूल फ्रॉम द ब्लाइंड हुई और एक पैरा दिया गया अकॉर्डिंगली आपको यहां पर नेक्स्ट वाले में देखते हैं कितना दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी जो है थ्री इंटू फोर

Uh, इसका आंसर पहला होगा और दूसरा वाला बच्चन रिपाल रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट ऑन 23 थर्ड में नाइनटीन एटी उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन है जैसे कि 11 का यहाँ पे दिया गया 11 बी वन बी टू बी थ्री हु इज ही हियर एंड फ्रॉम हुई चो एर द अब लाइन इज टेकन तो ये शायद बाद में दिया है स्कूल के टीचर ने तो रहा पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है क्लास सेवेंथ का इंग्लिश का तो आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को तो बेहतर सबको मिलते रहे मिलते हैं अगले वीडियो और इफॉर्मेटिव वीडियो के साथ कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा